भले ही कोरोना के मामले कम हो गए हैं, लेकिन हमें अभी भी मास्क और सैनिटाइजर को भूलना नहीं है। इसी कड़ी में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को सैनिटाइजर बांटे और साथ ही कोविड नियमों का पालन करने का भी संदेश दिया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर। कोरोना है और वेरियंट बदल बदल के आ रहा है, लेकिन उसके साथ में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी इम्प्रूव हो रहा है और हमारे जो अब वो जो डर और भय का माहौल था वो भी कुछ कम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हुआ है। ये जो आपको सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं और उसके साथ में ये रिफिल भी हम दे रहे हैं कि जब तक आपको इसकी ज़रूरत रहेगी तो आप इसको इस्तेमाल करते रहना, और उसके बाद अगर आपको रिफिल करना होगा तो ये टाइम टू टाइम आपको, क्योंकि सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर का कोई भी ऐसा नहीं होता, इसको तो आप जब भी यूज़ करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेरे जो कंपनी का सैनिटाइजर है, दिस इज़ 80% अल्कोहल, 80%, वैसे नॉर्मली 70% होता है, लेकिन ये 80% है जो स्कॉट आइडल कंपनी की तरफ से है। और पहले भी मैंने, जैसे ये कोरोना की शुरुआत हुई थी तो मैंने अपने विधायक निधि की तरफ से सब जगह जो है हर घर में सैनिटाइजर भिजवाए थे, कोशिश की थी एक कि, और उसके बाद यहाँ पे सभी ने बड़े प्रयास किए हैं। मैं कोई ये नहीं कि मैंने किया होगा, लेकिन कुछ एम्बुलेंसेस मैंने 3 एम्बुलेंसेस अपने विधानसभा क्षेत्र में दे रखी है, मणिकरण में दे रखी है, लग वैली में दे रखी है और तेगुवेड़ में दे रखी है। उसके साथ में मेरा एक और मैंने प्रण लिया है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी, जहाँ तक मैंने पढ़ाई की बात की, कोई भी पढ़ाई में पीछे नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहिए कि उसके पास जो है धन का प्रावधान नहीं है, वो तो मैं कह चुका हूँ। वैसे ही मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, स्त्री पुरुष बच्चे, वैसे तो बच्चों के लिए जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके तो